सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। संघर्ष अपने माता पिता के सपनों के लिए, संघर्ष अपने सपनों के लिए करना पड़ेगा। चलिए करते हैं क्लास 8 प्रश्नावली 923 प्रश्न संख्या वाला का तीसरा नंबर, जो हम लोग बिना फार्मूला का उपयोग किए हुए निकाल रहे हैं, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन बोला है कि एक हजार का डेढ़ वर्ष, एक पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, निश्चित दर ज्ञात करना। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो हमारा P, जिसको लोग मूलधन बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया दिया हुआ है। और हम लोग समय लेंगे, टी लेंगे, एक वर्ष। यहाँ डेढ़ वर्ष दिया हुआ, एक वर्ष। तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम वर्ष के लिए, ऊपर में हेडिंग देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, प्रथम वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष के लिए लोग ब्याज निकाले, पी निकल गया, टी निकल गया, आर दिया हुआ 8% और एस आई ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए ब्याज ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला क्या है एस आई का? साधारण ब्याज का फार्मूला, तो तीनों को गुना कर दीजिए, पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। अब पी 1000, टी एक वर्ष और आर हो गया हमारा 8/100। 2 0 था नीचे, 2 0 पर कट गया, यहाँ बचा 10 और 8, 10 6 80 हो गया। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, एस आई कितना आया? 80। अब इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे मिश्र धन, मिश्र धन जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ए बराबर कैसे निकलेगा? ए निकलेगा कैसे? इसमें पी प्लस एस आई कर दिए, मतलब मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए। तो मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 + 80, हो जाएगा 1080 रुपया। ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब आगे बढ़िए। अब 6 माह के लिए, 6 माह के लिए 1/2 जो है साल का, 1/2 आधा मतलब 6 महीना होता है, 6 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए आपको क्या लेना होगा? नया पी, मतलब नया मूलधन जो लेना होगा, तो पी वन कर दीजिए 1080 रुपया, 1080 रुपया हो जाएगा आपका नया पी। पी कितना हो जाएगा भाई? तो हाफ रहेगा क्योंकि 6 महीने की बात है। आर वही रहेगा 8%। और फिर निकलना है हम लोग को एस आई टू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू पी बटा 100। अब पी की जगह पे बैठा दीजिए 1080 गुना आर की जगह पे 8 और टी की जगह पे 1 और 2 × 100। ये 2 × 100 कहाँ से आया? 100 तो ये फार्मूला वाला है, 2 कौन है? 1/2, ये 1/2 ध्यान रखिएगा। अब इसको 1 0 1 0 काट दिया और यहाँ काट दिया 2 × 8। अब हमारे पास बचा 108 × 4, तो गुना करेंगे कितना आएगा? 8 × 32 और 4 × 4, 10 से इसको भागा देंगे तो आएगा 4.3.2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रुपया। अब हम लोग को लिखा हुआ है मिश्र धन, ये आपका अंतिम पड़ा है मिश्र धन नया वाला। तो कैसे लिख लेगा? पी वन में एस आई जोड़ दीजिए, एस वन अगर लिखेंगे तो एस वन लिख दीजिएगा। तो कितना था? 1080 में से 43.2 जोड़ेंगे कितना आएगा?
थ्री आठ चार बारह ये आएगा ग्यारह ताईस पॉइंट टू। अब आपको पता है कि दो दो पैसा तो नहीं है, ये दो बीस पैसा है, तो यहाँ अगर आपको अपनी आंसर लाना होगा बीस तो ला सकते हैं जीरो लगा करके, और नहीं तो देख लीजिएगा आंसर देसी स्थिति है, ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं तो निषेधन निकाल दिए हम, आपको समझ में आया होगा। निषेधन का अलग फार्मूला भी होता है, वो आगे देखेंगे अगले प्रश्न में। तब तक के लिए अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कोई समस्या होगा तो कमेंट करेंगे। अवश्य विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।